नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अखिल। राजसमंद के नाथद्वारा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिन दहाड़े पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसके साथ लूट हुई वह व्यक्ति राबचा के किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता है। चेक लेकर नाथद्वारा बैंक में आया था। बैंक से पैसे लेने के बाद वह पेट्रोल पंप पर पहुंचा। पेट्रोल पंप पर बाइक के आगे पॉकेट में उसने चैन बंद में 3,70,000 रुपए रखे हुए थे। उस दौरान वह बोरा पेट्रोल पंप के ऑफिस के पास पहुंचा, जहां उसका डीजल का कैन पड़ा हुआ था। जिसे लेने वह पहुंचा, तब तक चोरों ने पीछे से हाथ साफ कर दिया। यह घटना नाथद्वारा के बस स्टैंड के पास बोरा पेट्रोल पंप की बताई जा रही है। इस घटना पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रमोद जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी प्रमोद जी, लूट की वारदात हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? सर, राजसमंद के बोरा पेट्रोल सर, जिसको आदमी पेट्रोल भरवाने के लिए चेक कर बैंक के अंदर गया था जी, और 3,70,000 लेके बैंक चेक लेकर गया था, और बैंक से लेकर गाड़ी में रखा था पेमेंट, और उसी दौरान चेक कैन लेने गया। उसी दौरान एक लड़के में सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ है, तो लड़के में जो है जा रहा है कि लड़के ने चोरी लेके चला गया है जी। जो लोग हैं नाथद्वारा के बोरा पेट्रोल पंप की लूट बताई जा रही है जी। मैं आपसे ये भी जानना जी जारी रखिए। 3,70,000 रुपए जी प्रमोद जी, ये लूट हुई, इस लूट के बाद अब पुलिस प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के पास है, इसके बावजूद अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है, क्योंकि इस घटना को बीते हुए कम से कम 3-4 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। आपको बता दें कि मौके पर पुलिस बहुत चौंकी है, और जगह से सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है पुलिस। मौके जी में जांच कर रही है, और नाक जी आवाज आ रही है आपको प्रमोद जी? जी सर जी जी आ रही जी। प्रमोद जी, मैं आपसे एक बात ये भी जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से दिन दहाड़े इस तरीके की लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है, तो पुलिस प्रशासन आखिर करता क्या है, किस प्रकार से, क्योंकि वो पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं इस प्रकार की लूट पर रोक लगाने में नाकाम ही साबित हो रहा है। जी सर, इस बात से कह दें पुलिस प्रशासन तो गहरी नींद में सोया हुआ है जी। आदत पहले पूर्व में भी एक दो इसी तरह पेट्रोल पंप लूट की हुई है, लेने चला के बाद कई बार इस मामले की मामले भी हुए हैं पुलिस इसके मामले पर, अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है जी। क्योंकि जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो सीसीटीवी फुटेज के अंदर आरोपी किस प्रकार से 3,70,000 की नकदी है वो लेकर फरार हो गया, और कहीं ना कहीं पुलिस का मुखबिरी तंत्र है वो भी हाईटेक है, उसके बावजूद अब तक आरोपी का नहीं पकड़ा जाना, क्योंकि एक आम आदमी के लिए ये लूट छोटी नहीं हो सकती, क्योंकि 3,70,000 रुपए की राशि उसके लिए बहुत बड़ी होती है जी। सर, ये जो है एक जो है व्यक्ति है और ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता है, उसके दौरान उसने बैंक जो चेक में उसको भेजा पेमेंट लेने के लिए जी, लेके आया पेट्रोल पंप पर, और ये लूट हो गई है। कहीं ना कहीं इस पर भी आए दिन श्रीनाथ जी मंदिर में भी कई चीजें टूट जाती है, और ऐसे बात फिर भी प्रशासन इस पर अमल नहीं ले पा रहा है जी। इस खबर पर जानकारी के लिए प्रमोद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिस भी प्रकार की अपडेट होगी हम आपसे लेंगे। तो ये थे हमारे संवाददाता प्रमोद जोशी, जिन्होंने हमें पूरी जानकारी दी। आपको बता दें कि राजसमंद के नाथद्वारा में दिन दहाड़े पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, जहां पर 3,70,000 रुपए की चोरी हुई है। आरोपी चोर है वो, रुपए लेकर फरार हो गए। उसके बाद पुलिस प्रशासन अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर पाया है। अब देखना यह होगा कि पुलिस का जो मुखबिरी तंत्र है, जो हाईटेक है, वो कितना जल्दी इन चोरों को पकड़ पाता है। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज 21।